हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल थाली, जो कि प्रोटीन से भरी हुई है। मतलब जो भी लोग फास्ट रखते हैं, ये थाली उनके लिए है, क्योंकि उनको ना फास्ट में भी ताकत मिलती रहेगी। इसके लिए ना हम सबसे पहले यहाँ पे एक कप साबूदाना ले लेंगे और इसे ना एक गिलास पानी मैंने भिगो करके रख देंगे। तो मैंने इसे भिगो करके रख दिया एक घंटे के लिए। आप देख सकते हो साबूदाने जो है एकदम खिले खिले से हो चुके हैं। इसके बाद मैं ना इसमें एक कप पीनट्स को ना ग्राइंड कर दूंगी। अच्छे से हम इसका पाउडर बना देंगे। फिर हम यहाँ पे ना एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और फिर हम आलू डाल देंगे। आपको नॉर्मल आलू लेने हैं, बॉईल किए आलू नहीं लेने हैं। फिर इसे फ्राई करना है। तो आलू को फ्राई करने के बाद जो हमने यहाँ पे पीनट्स को ग्राइंड किया था ना, हम उसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो मैंने एकदम बारीकी से ग्राइंड करा हुआ है। आपने इकट्ठे पीनट्स ग्राइंड कर लेना, जितनी भी क्वांटिटी लगने वाली है। तो इसके बाद 1 कप साबूदाना लेंगे, जो हमने फुला करके रखे थे उनमें से 1 कप लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है पीनट्स के डाल देंगे, जो पीनट्स का चूरा है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। देन ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। तब तक हमारे जो आलू हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो भी हमने मिक्सचर बनाया था ना, वो हम फ्राई किए हुए आलू में डाल देंगे। फिर उसे 5 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे हमें पकाना है 5 मिनट तक। और ये जो आपके साबूदाने की खिचड़ी है ना, वो रेडी है। साबूदाने में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, जिससे ना आपको पूरे फास्ट में ताकत मिलती ही रहेगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो हम यहाँ पर सेकेंड चीज़ बनाने वाले हैं। सेकेंड चीज़ के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक ग्राइंडर का जार। फिर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप धनिया के पत्ते। फिर मैं इसमें कुछ पीनट्स डाल रही हूँ, मूंगफली 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। फिर हम इसमें ना 4 ग्रीन चिली डाल देंगे। फिर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। फिर लेमन जूस ले लेंगे, 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बड़ा प्यारा आता है। फिर हम इसे अच्छा खासा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ना हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि पूरा मिक्सचर ग्राइंड हो गया। फिर हम इसमें 1 कप पानी डाल के ना अच्छा खासा से ग्राइंड करेंगे, तो ये चटनी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ चटनी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। थर्ड चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप सोक्ड साबूदाना, जो कि हमने ऑलरेडी सोक करके रखे थे। फिर 1 कप क्रश्ड पीनट्स ले रही हूँ, जो मूँगफली को हमने एकदम वो करके रखा था ना, मतलब चूरा बना करके रखा था। फिर हम आलू को बॉईल करेंगे। आलू को बॉईल करने का सबसे इजी तरीका, उन्हें कट करके छोटे छोटे पीसेस में पानी में बॉईल कर दो। बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं, बहुत देर तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ना हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे, नमक डाल देंगे, काली मिर्ची डाल देंगे, क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखी हुई है। इसके बाद जो है ना, हम इसमें धनिया डाल देंगे अच्छा खासा धो करके, क्रश करके। फिर यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हुई हैं। और फिर ना हम इसे अच्छा खासा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डाल करके ना इसे ना एक डो की तरह ना हम इसमें गूंद लेंगे। मतलब जो भी हमने मिक्स किया हुआ है ना, उसे अच्छा खासा मिक्स करेंगे, इसका डो बना लेंगे। फिर एक पॉलीथिन की हेल्प से ना हम इस पर डोडा बनाएंगे। तो अगर आपको पता है डोडा क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है डोडा क्या होता है, तो डोडा एक डिश होती है, तो जो कि ना तवे पे, जो कि ना हम बेलन से नहीं बेलते हैं, जो कि हम कुछ इस तरह से बेल करके इसे पकाते हैं। तो मैंने इसे कढ़ाई में पका लिया है अच्छा खासा डोडे की तरह। डोडा मैं अगेन बोल रही हूँ, एक चपाटी होती है जिसे हम बेलन की हेल्प से नहीं बनाते, ठीक है। तो इसे बना लिया है, ये रेडी है हमारा। मैंने यहाँ पे खीरा रखा है और जो फलारी नमकीन आता है वो भी रखा है। और सच बताऊँ, ये थाली बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, साथ ही साथ में प्रोटीन से भरी हुई है। तो जो भी लोग फास्ट रखते हैं वो एक टाइम का खाते हैं, तो ये थाली खाओ, आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। तो किस किस ने फास्ट रखा है कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।